इसका नाम सुनते ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता इस तरह की बातें दिमाग में आने लगती है, लेकिन ये संवैधानिक लक्ष्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे पुष्कर धामी जी बोल रहे हैं कि अगर मैं फिर से जीत के आ गया और मैं मुख्यमंत्री बना तो उत्तराखंड के अंदर क्या किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। योगी बाबा भी कह रहे हैं कि अगर मैं फिर से सत्ता में आया और चीफ मिनिस्टर बन गया तो आते ही मैं भी क्या करूंगा, यूपी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करूंगा। बात समझ रहे हैं, अभी हमारे देश के अंदर केवल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये समान नागरिक संहिता लागू की गई है, किंतु हमारा संविधान ये कहता है कि भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है यानी 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इन सब में भारत के समस्त नागरिकों के लिए राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। बात समझ गए सभी। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है, क्या दिक्कतें हैं, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, सारी चीजें जानने के बाद आपको एकदम निष्कर्ष बताऊंगा, ठीक है। तो पहले संविधान में क्या कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसको समझो बच्चों, देखो दो तरह के मतलब प्रावधान या मैं कहूं कि लो होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लो और एक होते हैं सिविल लो, ठीक है। आपराधिक मामलों में चाहे आपका कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी आप हो, किसी भी मजहब को मानने वाले, किसी भी पंथ को मानने वाले हो, भारत के अंदर क्रिमिनल लो सबके लिए सेम है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करेगा तो उसको सबको वही दंड मिलेगा, कोई चोरी करेगा तो सबके लिए दंड वही है, कोई किसी का अपहरण करेगा तो दंड सबके लिए बराबर है। बात समझे, वहां धार्मिक आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी वहां पर तो समान नागरिक संहिता है, किंतु जो पर्सनल लॉ है, सिविल मामले हैं, ठीक है, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, इन सब मामलों में आज भी हमारे देश में कोई एक कानून लागू नहीं है। हिंदुओं का हिंदू जो लॉ है उसके अनुसार, मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, ईसाइयों का उनके पर्सनल लॉ के अनुसार, यानी हर धर्म के लॉ के अनुसार उनका ये जो है कानून संचालित होता है। जैसे मुस्लिमों में 4 विवाह कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते, ठीक है, यानी मुस्लिमों में एक पत्नी एक साथ 4 विवाह आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो 4-4 पत्नियों के ख्वाब देख करके हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, जैसे चांद मिया जो हरियाणा के मंत्री थे उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि धर्मेंद्र साहब भी हैं, वो हेमा मालिनी से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिए थे। बात समझे सभी, बाद में वापस कन्वर्ट हो गए। तो खैर एनीवे, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ मजाक के तौर पे, आपको दिल पे नहीं लेना कि ऐसे कैसे धर्मेंद्र जी के बारे में बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान है, अगर सिविल मामलों में भी पूरे देश के लोगों के लिए एक समान कानून हो जाए तो इसी को बच्चों कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगे कि हमारे देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए व्यक्तिगत कानून अगर एक समान कर दिए जाएं तो यही क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं जिसके दायरे में परिवार संबंधी जो कानून आते हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सब के लिए पूरे नागरिकों के लिए एक समान कानून बना दिया जाए तो यही क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड भी इसको कहा जा सकता है। तो जरा देखते हैं क्या है। देखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है, यानी एक DPSP है, ये एक नीति निदेशक तत्व है जो संविधान कहता है राज्य को कि इसे तुम्हें लागू करना है। तो अगर कोई लागू करने की बात करता है तो सांप्रदायिक नहीं है,
यानी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर मैं सिविल कोड समान करूंगा तो वो ऐसा नहीं है गलत काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ना वो संवैधानिक बात कर रहे हैं। बात समझ गए, जो संविधान के अंदर कहा गया है उसको लागू करने की बात कह रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? तो भैया देखो, ऐसा अगर किसी को इससे नुकसान होगा तो पहले उसको समझाओ बुझाओ, पहले उसको बताओ इसके लाभ बताओ। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं और आप कहे नहीं मैं तो लागू करूंगा तो दिक्कत होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर इसको लागू किए बगैर हमारे देश में सारी चीजें अच्छे से चल रही है तो काहे बरगला रहे हो भैया, जो है उसको रहने दो। लेकिन चूंकि संविधान में कहा गया है और एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना चाहिए, तो पहले जो इसके बारे में समझ नहीं रखते हैं, इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं, उसको समझाओ। जबरदस्ती मत कीजिए, प्यार से समझाओगे ना तो दुनिया प्रेम की भाषा बहुत आसानी से समझती है। पशु पक्षी समझ जाते हैं प्रेम की भाषा, तो हर धर्म के व्यक्ति समझेंगे। समझाने की जरूरत है, तरीका आपका समझाने वाला होना चाहिए, डांटने वाला नहीं होना चाहिए। प्यार से समझा के कुछ भी करा सकते हो, फिर हिंदू मुस्लिम आड़े नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। मतलब व्यक्तिगत कानून जो पर्सनल लॉज हैं, जिसके दायरे में परिवार संबंधी कानून आते हैं, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये होते हैं। ठीक है, ये सारे कानून पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान हो, जिस तरीके से आपराधिक मामलों में एक समान ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर इन पर्सनल लॉज के अंदर भी सभी देशवासियों के लिए एक समान ट्रीटमेंट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता मानी जाएगी। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। अब ये जो सिविल कानून है, इस सिविल कानून, संविधान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान क्या कह रहा है, ये जो सिविल कानून है यानी जो पर्सनल लॉज है, इनके लिए सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। ये काम नहीं है, एक समान कानून हो, सबके लिए इक्वल लॉ हो। ठीक है, क्योंकि भारत में हर धर्म का अलग अलग पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का अपना है, मुस्लिमों का अपना है, ईसाइयों का अपना है, सबका अपना अपना कानून है पर्सनल लॉ, जैसा उन्होंने पहले उचित समझा वो बना दिया। ठीक है, और वो आज भी लागू है, चल रहा है। ठीक है, तो समान संहिता जरूरी क्यों, आखिर भाई क्यों पेट में दर्द हो रहा है लोगों के कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, अगर चल रहा जो सिस्टम भी चले तो दिक्कत क्या है? तो कहा गया कि देश के सारे नागरिक समान हैं, हम जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब के क्यों ना हो, वो सब समान हैं। इसलिए जरूरी है कि सारे नागरिक अगर समान हैं तो इनके लिए पर्सनल लॉ, सिविल लॉज भी समान होने चाहिए। जब क्रिमिनल लॉ समान है तो सिविल में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसी आधार पर कहा गया कि ये जो समान नागरिकता वाली बात है ना, ये तब और मजबूत होगी जब सबके लिए कानून समान होंगे। क्योंकि मान लो जैसे कोई हिंदू अगर तलाक देता है तो उसके लिए टफ कानून है, और अगर कोई मुस्लिम तलाक देता था 3 तलाक बैन होने से पहले तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो बोले तलाक तलाक तलाक, जा तू तेरे रस्ते में मेरे रस्ते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 दिन तक भरण पोषण दिया जाता था, उसके बाद वो भी खत्म। ठीक है, तो कहा ये उस धर्म के लोगों के लिए कम मतलब दंड का प्रावधान और हिंदू धर्म में टफ प्रावधान, तो हिंदू वालों को लगे देखो इनको तो प्रायोरिटी दे दी, इनको कम दिया। अब हिंदू धर्म में एक ही पत्नी रख सकते, मुस्लिम धर्म में 4-4 विवाह कर सकते, तो फिर इनको लगेगा यार इनको कुछ विशेष प्रायोरिटी क्यों दी, हमारे साथ भेदभाव किया गया। बात समझे? तो अब देखो भाई, एक पत्नी को संभाल पाना मुश्किल होता है, 4-4 पत्नी ये लोग कैसे संभालते, मैं तो खुद ही सोच के बगला जाता हूं कि भाई तो ये तो मुस्लिम भाइयों से सीखना पड़ेगा। खैर एनीवे, तो कोई अगर मुस्लिम धर्म का प्रिय छात्र है तो दिल पे ना ले, मजाक के तौर पे इसको समझे और चीजों को समझना आपको, बस मेरा तात्पर्य यही है, किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान रखना। तो समान नागरिक संहिता इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी नागरिक जो देश के हैं वो एक समान नागरिक हैं। इसी के आधार पर यह माना जाता है कि समान नागरिकता तभी मजबूत होगी जब सबके लिए समान कानून हो, इक्वल लॉ फॉर ऑल सिटीजन। इससे नागरिकता की भावना तो मजबूत होगी ही, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ेंगे और उनके विभेद भी समाप्त होंगे। आज देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म की लड़की अगर मुस्लिम धर्म में विवाह कर लेती है तो उसके माँ बाप एकदम
कांप जाते हैं कि यार इनके यहां कब तीन तलाक दे दिया जाए, 10 साल रखिएगा, 4-5 बच्चे पैदा कर लिए उसके बाद कहेगा जाओ तुम अपने रास्ते, ठीक है। तो ये इस तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इसलिए अगर मान लो बेहतर होगा तो फिर हिंदू मुस्लिमों के बीच भी आपस में क्या होगी, संबंध बेहतर होंगे, इनके बीच भी चीजें बेहतर सुदृढ़ हो सकेंगी, इसलिए भी जरूरी है। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत से मामलों में बच्चों समान नागरिक संहिता लागू हो भी गई है। देखो इसको मैं ऐसा कहूंगा कि समान नागरिक संहिता को एक साथ लागू करने की बजाय टुकड़ों टुकड़ों में लागू जैसे किया जा रहा है ना, जैसे तीन तलाक खत्म कर दिया तो हो गया, भरण पोषण वाली बात है उसको भी लागू कर दिया गया तो वो भी हो गया, तो ये धीरे 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 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत हद तक तो आज हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, कुछ मामले अभी बचे हैं उनको भी कर दिया जाएगा। तो ये तीन तलाक हुआ, ये जो सायरा बानो केस था वो भी तो इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ध्यान से सबके क्लियर हुआ ना कि भाई ये जरूरी क्यों है, ताकि देश के जितने भी नागरिक हैं उनमें एक नागरिकता की भावना आए और सारे संप्रदायों पंथों के बीच पारस्परिक संबंध मजबूत हों, इसलिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे धर्म हैं जिनके पर्सनल लॉ हैं वो बहुत पुराने टाइप के हैं, आधुनिक न्याय जो है उसके अनुसार उनमें चेंज होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म के ही सारे कानून अच्छे हैं, कुछ यहाँ भी बहुत खराब है, कुछ मुस्लिमों के कानून अच्छे हैं तो कुछ मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बहुत बेकार हैं, उनमें सुधार होना चाहिए, ताकि जो उनके बेकारपन वाले बात के कारण जैसे महिलाओं को नुकसान होता है तलाक के बिद्दत के कारण, तो उसमें चेंज होना चाहिए और किया भी गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मुस्लिमों की तरह ही मान लो हिंदुओं में भी कुछ चीजें ऐसी है, उनको भी चेंज किया जाना चाहिए, ये बात इसके अंदर है। तो दोनों के ही अच्छे अच्छे चीजों को अपना करके पूरे देश के लिए एक समान सिविल कोड अगर लागू कर दिया जाए तो बुराई नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं, बात समझे बच्चों। और देखिए भारत में बहुत से मामलों में ये समान नागरिक संहिता लागू भी है, जैसे दो केस आपको मैं बताता हूं, ठीक है। सायरा बानो बराम भारत संघ वाद 2017, इसमें तलाक ए बिद्दत जिसको तीन तलाक पॉपुलरली कहा जाता है, इसको समाप्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। यानी अब आप तलाक 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 कह के मुस्लिम बेटियों को तलाक नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी प्रोसेस बना दी गई, आप कोर्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से तलाक देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अमानवीय था तीन तलाक, लेकिन अब बेहतर हो गया है तो इसको चेंज किया गया, तो ये अच्छी बात है। इसका मुस्लिम बेटियों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है, विशेषकर जो इसकी भुक्तभोगी है या जिनके साथ अन्याय हुआ उनको तो अब बेहतरी मिलेगा, और बाकी जो बेटियां आने वाले समय में हैं उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होगा। दूसरा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस 1985 का है। मोहम्मद अहमद खान एक वकील है और शाह बानो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला है, 70 साल की उम्र, ठीक है, यानी दादी बन गई होगी, दादी नानी की उम्र, और इस समय उनके पति को पता नहीं क्या सूझा, कहा जाओ तलाक तलाक तलाक, तीन तलाक बोल दिया साहब, तलाक हो गया कोई बात नहीं। अब इसमें ये होता है कि महिलाओं को 100 दिन तक भरण पोषण दिया जाता है तलाक के बाद में, उसके बाद तू तेरे रस्ते में मेरे रस्ते, बात समझे। तो ये साहबानो जो थी वो कोर्ट के अंदर गई और कहा कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं, ठीक है, मैंने तो कोई कामकाज भी नहीं कर रखा, मुझे भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों ये जो मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो केस 1985 का है, ये इतना मतलब बहुत बड़ा फैसला ये आया, और इसके तहत तलाकशुदा जो मुस्लिम बहनें हैं या महिलाएं हैं उनको भरण पोषण का वैसे ही अधिकार दिया गया जैसे हिंदुओं के लिए प्रोविजंस हैं। तो देखो दो तो हो गए ना यहाँ पे, बात समझ रहे हैं, यानी वहां पहले ये था कि भाई अगर पेट में बच्चा है तो 100 दिन तक इनकी केयर के लिए ये पैसा दिया जाएगा, 100 दिन में पता चल जाएगा कि भाई पेट में प्रेग्नेंट है या अथवा नहीं, इसलिए 100 दिन का प्रावधान किया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर जो विवाह होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदुओं की तरह एक मतलब संस्कार नहीं माना जाता है। तो अब ये जो मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो केस था, इसके बाद ये कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण के भत्ते का अधिकार दिया जाएगा। तो देखो तलाक तीन तलाक खत्म हो गया, भरण पोषण का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉ हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है,
हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी एक समान जो अच्छे कानून है ना सारे धर्मों के मिलाकर, वो आप अपना लीजिए जिसमें पुरुष और महिलाओं किसी को भी दिक्कत ना रहे, सबके लिए अच्छे प्रोविजन बन जाए तो बुरा नहीं है। अब कुछ धर्म विशेष के लोग या कुछ पॉलिटिशियन ऐसे कहते हैं कि अगर समान नागरिक संहिता आप देश में लागू करते हैं तो ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। जैसे 3 तलाक को जब समाप्त किया गया तो कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, आपने हमारे पर्सनल लॉ को छेड़ा है, और ये आपको किसने अधिकार दिया? बात समझ गए बच्चों, पर्सनल लॉ के अंदर आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, पर्सनल लॉ को आप नहीं छेड़ सकते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि बहन बेटियों के लिए तो मैं करके रहूंगा, और सायरा बानो केस के अंदर उन्होंने कर दिया, बात समझ रहे हैं। तो खैर, तो कुछ लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड जो है उनके धर्म में हस्तक्षेप है, और यह धर्म की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25 जो है उसका उल्लंघन करता है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। बात सबके क्लियर हुआ? कुछ इसके पक्ष में है, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन संविधान कहता है इसको लागू किया जाना चाहिए। अब कब करेंगे ये तय नहीं किया, किया जाना चाहिए। राजनीतिक पहलू आप जानते हैं कि हमारे देश में हर बात के अंदर आ ही जाता है, तो इस मसले के ऊपर बीजेपी और उसके समर्थक दल जो हैं यानी एनडीए वाले, वो इसके पक्ष में हैं। शिवसेना भी चाहती है कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन कई जो विपक्षी दल हैं जैसे कांग्रेस हो गया, एसपी हो गया, बीएसपी हो गया, मार्क्सवादी पार्टी हो गई, ठीक है, ये इसके खिलाफ हैं, जेडीयू भी इसके खिलाफ है, ये सब इनका मानना है कि अगर आप इसको लाओगे, आरजेडी वगैरह क्या कहते हैं कि अगर आप इस बिल को लाते हैं तो इससे जो माइनॉरिटी वाले हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके अधिकार छीनेंगे, और अगर उनके अधिकार छीनेंगे तो उनमें असुरक्षा की भावना आएगी, असुरक्षा की भावना आएगी तो नागरिकता की भावना कमजोर पड़ेगी कि आप हमारे अधिकार छीन रहे हैं, और फिर उसमें असहिष्णुता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इनको लागू नहीं किया जाना चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो, क्यों आप आग से खेलते हैं। और इनका यह भी तर्क है कि देखो, जब बिना समान सिविल संहिता के ही देश में सब ठीक ठाक चल रहा है तो क्या जरूरी है आपको ये अलग पर्सनल लॉ को समाप्त करके एक पर्सनल लॉ बनाने की, जब अलग अलग पर्सनल लॉ में किसी को दिक्कत है ही नहीं तो क्यों आप समान नागरिक संहिता लाना चाह रहे हैं, क्यों लागू होना चाहिए? तो लागू मत करो इसको। ये बात सबके क्लियर हुआ? तो ध्यान से समझना, बीजेपी व इसके समर्थक दल इसका पक्ष लेते हैं, जबकि कई विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, मार्क्सवादी, आरजेडी, ठीक है, अन्ना द्रुमुक, ये इसके विरोध में है। उनका मानना है कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनेंगे, जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जैसे 3 तलाक खत्म किया तो अल्पसंख्यकों को वैसे तो सुधार है ना, बहुत बड़ा, पुरुष भी कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो इसके पक्ष में हैं, विशेष करके वो उस पिता या भाई से पूछो जिसकी बहन के साथ अत्याचार हुआ है, ठीक है, 3 तलाक को लेकर के। 70 साल में आप तलाक दे देते हैं तो कितना अमानवीय बात वहां पे हो रहा। हाँ, तलाक आप दे सकते हैं, अगर आधार सॉलिड है तो आपको अधिकार है, साथ नहीं रह सकते तो दीजिए, किंतु अगर मनमर्जी के आधार पे दिए तो गलत आ जाता है। तो कहा कि इससे उनको ऐसा लगा 3 तलाक से कि भाई हमारे अल्पसंख्यक, इसलिए हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसा इनका मानना है विपक्ष वालों का, और उससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, ठीक है। और फिर उनका यह भी कहना कि आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं इस बार, 75 सालों में आज तक जब कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर क्यों इसको सिगूफा छेड़ते हैं, क्यों आप बार बार इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये कहा गया। और कहा कि अलग अलग पर्सनल कानून होने से क्या दिक्कत है ये बताओ पहले, तो इसलिए ये जो समान सिविल संहिता है इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये विपक्ष वालों का कहना है। अब आपका क्या तर्क है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या बोलना चाहिए। देखो, समान नागरिक संहिता एक डीपीएसपी है, और डीपीएसपी को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी जैसे राज्य समर्थ होगा वो इसको लागू कर दे, परिस्थितियां बेहतर हो तो वो इसको लागू कर सकता है। तो इस प्रकार से डीपीएसपी हमारा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, और राष्ट्रीय लक्ष्यों को लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय लक्ष्य है। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय महत्व का विषय होने के कारण
ये कहे कि हम अगर सत्ता में आए तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप उनको इस तरह की बात को कहने के आधार पर उनको सांप्रदायिक या ये नहीं कह सकते कि ये सांप्रदायिक लोग हैं। ये दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है, आपका ऐसा सोचना गलत है कि अगर बीजेपी या कोई पार्टी, कोई भी एक्स वाई जेड, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति भी कहे कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो इस मांग के आधार पर आप उसको सांप्रदायिक नहीं ठहरा सकते हैं। क्लियर हुआ? आप उसको कम्युनल घोषित नहीं कर सकते हैं, ये टैग नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि संविधान के जनकों ने लिखा है कि हमारे देश के अंदर राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा, तो अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो वो कर सकता है, संसद में अगर उसको बहुमत है तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ संप्रदायों या कुछ धर्म के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है तो जबरन भी नहीं थोपा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सब ठीक चल रहा है देश में तो देश को जलाने से क्या फायदा, तोड़फोड़ कराने से क्या फायदा, देश में बेवजह कोई इश्यू बनाने से क्या फायदा जब सब ठीक चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि इसके ठीक होने से बहुत सी चीजें बदलेंगी, तो फिर जरूरत इस चीज की है कि थोपने की बजाय उन लोगों को पहले इसका इंपोर्टेंस बताओ, उसको उनको पहले शिक्षित करो कि भाई तुम 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, ठीक है, मेटावर्स वाली लाइफ जीने वाले हो, तुम अब पुरानी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आज आधुनिक समाज के अंदर जी रहे हो, और आधुनिक समाज में अगर तुम्हारे पर्सनल लॉ में कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिनको हमें समय के साथ छोड़ देना चाहिए, तो पहले उनको समझाओ, उनको इसके लिए मनाओ, और जिस दिन वो इसके लिए राजी हो जाए, जागरूक हो जाए, तो उनकी सहमति लेकर के इसको लागू करो, वरना फिर एक किसान आंदोलन की तरह अगर कोई आंदोलन हुआ तो देश का धन और समय बर्बाद ही होता है। बात सबके क्लियर हुआ? तो ध्यान से समझना बच्चों कि इसकी मांग करना सांप्रदायिक नहीं है। पहली चीज तो ये कि अगर कोई समान नागरिक संहिता की बात करता है तो ना तो वो सांप्रदायिक है, ना मांग करने वाला सांप्रदायिक है, और इसे जबरन थोपना भी गलत है। जबरन मत थोपिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारे संप्रदाय में, हमारे धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो पहले उनको समझाओ कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को भी इससे फायदा होगा, शिक्षित करो, जागरूक करो, समझाओ उनके, जो जैसे मान लो मुस्लिम धर्म के लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति होती है तो उनके इमाम साहब को आप समझाइए, उनके इमाम साहब से कहलवाइए, उनके पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों से कहिए। जैसे अभी ये जो हिजाब वाला विवाद चल रहा है तो इसमें जावेद अख्तर जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हिजाब का कभी समर्थक नहीं हूं, तो ये एक प्रगतिशील उनका स्टेटमेंट था कि मैं नहीं चाहता कि बच्चियां अपनी पहचान को छुपाएं, खुलकर जिए, वो भी रॉक स्टार हो सकती हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर उनके धर्म का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध एमिनेंट पर्सनालिटी बोलता है तो वो लोग सुनते हैं कि हाँ यार बात तो सही है, उनके धर्म गुरु कहते हैं तो लगता है ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर कहेंगे, योगी जी अगर कहेंगे, तो थोड़ा उनमें असुरक्षा की भावना आएगी कि ये तो हिंदुओं की बात करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आम व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कायदे आजम हैं, हिंदू और मुस्लिम उनके लिए मायने नहीं रखता है, प्रत्येक भारत के नागरिक का वो कल्याण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है, ठीक है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले समझाया जाना चाहिए कि समान सिविल संहिता का पालन करने से उनके धर्म के जो प्रोविजंस हैं, उनके पर्सनल लॉ की जो बातें हैं वो कम नहीं होंगी या उनको छीना नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको डरा दिया गया एक तरह से कि देखो अगर ये लागू हो गया तो मुस्लिम धर्म संकट में पड़ जाएगा। मुसलमान इस बात से इतना डरा हुआ है, उनको ये पता ही नहीं है कि समान नागरिक संहिता है क्या। इवन सच कहूं तो अधिकांश लोग इससे खुश ही होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है, बस उनको ऊपरी तौर पे बताया कि तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से उनके जो गरीब लोग हैं जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको इस तरह से करोगे तो आंदोलन हो जाएगा। तो पहले इसके लिए जागरूक करो, समझाओ, और ये बताओ कि ऐसा केवल उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। और ये किसने कह दिया कि भाई इससे केवल मुस्लिम धर्म के प्रोविजन ही चेंज होंगे, इससे हिंदू धर्म के प्रोविजन भी चेंज होंगे, इससे जो ईसाई धर्म है उसके भी प्रोविजन चेंज होंगे, मुस्लिमों के भी चेंज होंगे, बाकी धर्मों के भी चेंज होंगे, और कुछ अच्छी चीजें इसमें ली जाएंगी।
तो इसका पालन सबके लिए एक समान होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर भारतीय के लिए पर्सनल लॉ जो सिविल कानून है ठीक है वो भी अब एक समान हो जाएंगे। जैसे क्रिमिनल कानून, भाई उनको ये बताओ कि देखो क्रिमिनल कानून तुम्हारे एक जैसे हो गए तो क्या दिक्कत हुई क्या तुम्हारे धर्म में, तो जब सिविल कानून एक समान हो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, पहले बताओ तो सही खुल के ठीक है। और ये बताओ कि भाई ये जो आज के आधुनिक न्याय है, आधुनिक समय की मांग है, उसके सिद्धांतों पर यह समान नागरिक संहिता आधारित है, अतः इसका पालन होना चाहिए। और उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि देखो हम कोई पहले देश नहीं है जहां पे समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश जैसे तुर्की जिसको आप खलीफा मानते थे, मिस्र जो अरब वर्ल्ड है उसमें एक प्रसिद्ध देश है ठीक है, तो इजिप्ट और तुर्की इन देशों में ऑलरेडी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके अलावा जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये ऐसे देश हैं जहां पे इक्वल राइट है सबके लिए, यानी यूनिवर्स वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। बात सबके क्लियर हो गया और सबके लिए एक समान कानून है, तो भारत के अंदर होता तो क्या दिक्कत है, क्लियर हुआ कि सभी के ये बातें हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत अगर कोई सुधार करता है तो दूसरे देश तो आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे, उससे पहले घरेलू स्तर पे भी बहुत बड़ी माथापच्ची हो जाती है। तो ये बात है बच्चों ठीक है, तो ये मैंने आपको समान नागरिक संहिता के ऊपर थोड़ा डिटेल से समझाना चाहा और अभी इसके ऊपर इसलिए मैंने आज लंबा थोड़ा व्याख्या दिया क्योंकि अभी हिजाब वाला जो मुद्दा चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं इस समान नागरिक संहिता से भी जुड़ा हुआ है ठीक है। ये वाली बात है कि वहां पे इक्वालिटी आप कर रहे हैं कि स्कूलों में सब एक जैसी ड्रेस पहन के जाएं, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर पगड़ी पहन सकते हैं, अगर आप दाढ़ी रख सकते हैं, अगर कड़ा पहन सकते हैं, कटार रख सकते हैं, सिख धर्म के लोगों के लिए आपने प्रोविजन किया, हिंदू टीका लगा सकते हैं, हिंदू मान लीजिए क्या बोलते हैं सिंदूर भर के अगर स्कूल कॉलेज में जा सकती हैं, तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी चूंकि मामला कोर्ट में है और किस तरह की वहां फैसला आता है वो बात की बात है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस समान नागरिक संहिता से जुड़ी हुई है बच्चों, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, कैसे इसका समाधान होना चाहिए। अंत में मेरा कंक्लूजन ये है कि हमारे देश के जो गोवा राज्य है उसमें समान नागरिक संहिता वर्षों से है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी राज्यों में भी किया जाना चाहिए, लेकिन समझाइश के साथ धीरे धीरे इसको लागू किया जाना चाहिए। एक साथ लागू करने के बजाय धीरे 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 इसके प्रोविजन इस तरह से करो कि पता ही ना चले कब समान नागरिक संहिता हो गई ठीक है। तो हमारे देश में किसी तरह का आंदोलन भी नहीं होगा, चूंकि आंदोलन होते हैं तो एक आंदोलन होता है सुधार के लिए, वो जरूरी है, और एक आंदोलन होते हैं सुधार को रोकने के लिए, वो ना केवल गैर जरूरी है अपितु देश का धन, समय, संसाधनों की बर्बादी के लिए भी ऐसे आंदोलन जिम्मेदार होते हैं, और वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा होते हैं, इसलिए थोपा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ सरकारों को आपस में बातचीत करके, संसद में व्यापक बहस करके, समाज में बहस करके इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी चाहिए।